गई है मॉर्निंग, सैरी में उठने के बाद फिर रिमशा को स्कूल भेज दिया है, और अभी मैं संगवाने लगी हूँ। रिमशा को स्कूल भेजने के बाद सो गई थी, अभी रिमशा भी आ गई और ये देखिए यहाँ छुप गई है ये। इसने अपना कैक्टस भी ले रखा है, उससे फुल एक्टिंग करवा रही है, फुल उससे हमारी कॉपी करवा करवा के बुलवा रही है। तो चलिए सफाई करती है और उसके बाद मिलती हूँ। देखिए इसकी पिटाई हो रही है, ये हंस रही है, रो रही है। तो फ्रेंड्स बेसन मैंने घोल लिया है, अभी मैं इसके अंदर मसाले डालने लगी हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा डालते हैं हींग, बस चुटकी भर। फिर इसके अंदर डालते हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे बोलते हैं चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आधा घंटे के लिए बेसन को रख दूँगी ताकि ये सब सामान अच्छे से मिक्स हो जाए और बेसन भी अच्छे से घुल जाए। फ्रेंड्स बन गई है मेरी शिकंजी भी, बेसन भी घुल गया। अब काट लेती हूँ पकौड़ियों का सामान और फिर पकौड़ी बनाते हैं। अभी मैं आ गई हूँ, अब काट लेती हूँ ये पकौड़ियों का सामान, प्याज, आलू, हरी मिर्च और ये ब्रेड की पकौड़ी। पालक अभी मंगवाया है, फिर पालक भी छाकर और फिर उसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं। स्टार्ट कर दिए, पहले मिर्च से डाल दिए और अब जल्दी से बना लेती हूँ ये सब पकौड़ियाँ।
फ्रेंड्स पकौड़ियाँ मैं बना रही हूँ और भाभी काटने बैठ गई हैं इफ्तियारी, क्योंकि रोज़े में भी कम टाइम रह गया है तो इफ्तियारी काट रही हैं। और हमारी रिमशा ने भी फुल एंटरटेनमेंट कर रखा है अपने कैरेक्टर्स से, पता नहीं क्या क्या बुलवा रही है। तो अब जल्दी जल्दी बस इफ्तियारी की तैयारी करते हैं। मेरी पकौड़ियाँ सारी बन गई हैं, ये देखिए। तभी चिप्स तल लेती हूँ। अब बुशी ने ये देखिए दस्तरखान भी लगाना स्टार्ट कर दिया है, तभी दस्तरखान भी लगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इफ्तारी लग चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी इफ्तारी तैयार हो गई है। अब निकालते हैं इनके अंदर शिकंजी, अब फिर रोज़ा इफ्तार करते हैं, दुआ करते हैं, फिर रोज़ा इफ्तार करते हैं।